पाकिस्तान मुझे मुल्क अपना बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे उसकी काफी बातों पे फखर होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जैसे कि भैया मौसम बहुत अच्छा है, ज्यादा गर्मी नहीं होती, ज्यादा ठंड नहीं होती, चारों के चारों मौसम होते हैं। इट्स वेरी नाइस। अर्ज पाकिस्तान सकाफत, विरसे और खूबसूरती से माला माल। शुमाल में चीन की दोस्ती हो, मशरक में भारत के साथ पेचीदा ताल्लुकात, या मगरब में ईरान और अफगानिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात, पाकिस्तान ने हमेशा हर किसी के साथ अपने ताल्लुक को बहुत मजबूत रखा है। सो आज हम लोग निकले हैं लोगों से ये बात जानने के लिए कि आपको पाकिस्तान की किस बात पर फख्र है। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको पाकिस्तान की किस बात पर फख्र है। फर्स्टली मैं ये कहूँगी कि मुझे पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम पे बहुत फख्र है कि लाइक इन अब्रॉड कोई भी साथ में नहीं रहता है, यहाँ पे एक फैमिली हायरार्किकल सिस्टम है विच इज़ वेरी पॉजिटिव, आई थिंक बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की टूरिज्म लैंडस्केप्स पे आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड वी शुड बी प्राउड टू कॉल इट आवर होम। हमें पाकिस्तान की इस बात पर फख्र है कि इसको कायद अजम ने बनाया और हमारे कदीर अब्दुल कदीर खान ने इसको बचाया। तो आउट ऑफ कंट्री कभी गई हैं? जी। वहाँ पे कैसा लगता है जब पाकिस्तान वापस आती है, तो फिर आपके क्या तासरात होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत कल्चर से रिच है एंड आई फील लाइक जो लोग मुल्क छोड़कर जाते हैं उनको ये नहीं रियलाइज़ होता कि उनके कल्चर के अंदर कितना उनके लिए मतलब इनरिचमेंट है। मुझे तो फील होता है कि बाहर के मुल्क जाकर मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं इधर बिलोंग नहीं करती और पाकिस्तान में अकेले ही मैं, मुझे लगता है मैं बिलोंग करती हूँ बिकॉज इधर ही पैदा हुई थी, इधर ही बाल पोस के बड़ी हुई थी, तो मतलब इधर से जाना मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, अगर आप बाकी ममालिक को देखें तो उनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान का, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान कैसा मुल्क है? मेरा हाल है काफ़ी अच्छा, बेहतर मुल्क है, सेफ है। हम लोग यहाँ तो अपने घरों में रहते हैं और बाहर भी निकलते हैं, ईजीली घूमते फिरते हैं, तो मेरा हाल है बाकी ममालिक से काफ़ी हद तक बेहतर है। ज़ाहरी बात है अपना मुल्क अपना ही होता है, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, ठीक है, जो बाहर हैं या इधर हैं, बाहर वाले भी कभी ना कभी अपने मुल्क आते ही हैं तो आके उनको अच्छा ही लगता है, ठीक है। अभी आउट ऑफ सिटी इस चीज़ का फख्र महसूस करते हैं। अभी तो हम लोग आउट ऑफ सिटी बैठे हैं तो हमें इस चीज़ का पता है कि अभी मैं सिटी लाहौर से हूँ तो घर जाने का जो क्रेज़ होता है वो एक अलग ही होता है। इन पाकिस्तान आई थिंक मुझे काफ़ी सेफ फील होता है एज अ फीमेल, अगर इफ़ यू रिलेट इट इन कंट्रास्ट टू समवेयर गोइंग टू अब्रॉड, इट्स रिलेटिवली आई थिंक मच सेफर। लोग बहुत बुराइयाँ करते हैं बट दैट्स नॉट ट्रू, इफ़ यू एक्चुअली विजिट अब्रॉड यू विल नो कि वहाँ इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। ये हमारा अपना मुल्क है, हम यहाँ आज़ाद रह सकते हैं। जिससे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं, मतलब क्या क्या हालात है, अफगानिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, औरतों की क्या सिचुएशन है, अपने मुल्क में हम आज़ादी के साथ तो रह सकते हैं एटलीस्ट। जब मैं देखती हूँ कि इतने चैलेंजेस के बावजूद भी लोग सामने आ रहे हैं तो मैं खुद भी प्राउड फील करती हूँ और मुझे लगता है कि होपफुल रहना चाहिए, ये चीज़ आपको फिर मायूस भी नहीं होने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाइला। नाइला, आप बड़ी जोली सी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अच्छा नाइला, मुझे बताइएगा आपको पाकिस्तान की किस बात पर फख्र है? यार हमें पाकिस्तान की बहुत सारी बातों पर फख्र है। सबसे तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और दूसरी बात यह है कि हम मुसलमान हैं और तीसरी बात यह है कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है कि उसकी हर चीज़ पर इंसान हमें फख्र है। लोग बाहर फिर क्यों चले जाते हैं? ये डिपेंड्स, ठीक है ना, उनके रूट्स नहीं होते होंगे या फिर उनको ये लाइफ में इस तरह की चीज़ें लग रही होती कि यार पैसा ही सब कुछ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है। मेरे भी तीन बेटे हैं और माशाल्लाह जो बड़ा बेटा है वो अभी आर्मी के लिए सेलेक्ट हो गए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वो पीएमए में जाएगा। तो मेरे हस्बैंड खुद भी आर्मी के हैं तो हमें तो पाकिस्तान आर्मी में भी बहुत ज़्यादा फख्र है। तो वो एक बचपन से था, तो बड़े बेटे को मेरा बचपन से खुद ही शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसका हो गया। अभी आप क्या समझती हैं, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आर्मी का है, तो क्या आर्मी का इसमें कोई किरदार है हमारे मुल्क के ऊपर फख्र करने पे? बिल्कुल क्यों नहीं है, अगर आर्मी ना हो तो एक दिन शायद हम अपने घरों में सुकून से ना सकें, क्योंकि जिस तरह की आजकल देखें ना टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान में हो रहा है, क्वेटा में हो रहा है और इतने लोग मर रहे हैं। इवन मेरे अपने फैमिली में भी मेरा अपना सगा भांजा, मुझसे जो बड़ी बहन है वो ब्रेरा था, वो शहीद हुआ जिसी, उसके अलावा जो है अभी मेरा एक कैप्टन है कैप्टन अली जमान, वो टेररिस्ट अटैक में जो बहुत शदीद ज़ख्मी है, उसके सर पर बुलेट लगी है, वो सीएमएच रावलपिंडी में एडमिट है। तो हम कुर्बानियाँ तो दे रहे हैं
पाकिस्तानी फौज तो दे रही है और डेफिनेटली आइंदा भी इसी तरह वो देती रहेगी। अगर पाकिस्तानी फौज नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सर्वाइव कर सकेंगे। क्या नाम है आपका? निगत। निगत, अच्छा निगत मुझे बताए, निगत मलिक, मैं भी निमरा मलिक, दोनों मलिक। अच्छा निगत मुझे बताइएगा कि आपको पाकिस्तान की किस बात पर फख्र है? मुझे तकरीबन पाकिस्तान की हर बात पे फख्र है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज पे फख्र है, पाकिस्तान के हर बंदे पे मुझे फख्र है क्योंकि ये मेरा मुल्क है। मुझे हर चीज़ पे फख्र है और मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान, ये मेरा मुल्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, यकीनन हमारा आज का प्रोग्राम आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने और जाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।